गुड मॉर्निंग सुपर बात, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। भाई आज मैं लेट जा रहा हूँ क्योंकि है ना जिया और वसु के स्कूल में जाना था। फिलहाल मैं बहादुरगढ़ पहुँच गया हूँ और भाई मौसम का ताज़ा हाल ऐसा है कि भाई धूप निकल रही है और आज की धूप ने देख के कोई ये नहीं बता सकता कि भाई कल है ना मान ले बारिश हुई है, फुहारा आई है और ये देखो भाई कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। आसमान बिल्कुल नीला, हल्के हल्के बादल हैं। मेरा जो चैनल है ना ये यूट्यूब वाला, उसके साथ आना पता नहीं क्या हो गया, कोई छेड़खानी कर दी बच्चों ने या क्या कर दी, और डेढ़ दो महीने से ज्यादा टाइम हो गया, शायद ढाई महीने करीब हो गया। एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं कि जो पता है शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चैनल है ना फ्रीज हो गया है। अब इसको अनफ्रीज कैसे करूं, कोई सेटिंग पता नहीं क्या कर दिया बच्चों ने, कोई सेटिंग छेड़ दी या क्या कर दिया, ना तो मेरी अब कोई वीडियो पता नहीं चल नहीं रही है। सारी चीज़ वो ही कर रहा हूं जो मैं पहले करता था, पर अब ऐसा हो रहा है मेरे को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो भाई जहां तक मेरा अंदाजा है मेरा जो चैनल है ना वो फ्रीज हो चुका है, और उसको अगर किसी को पता हो भाई इसको अनफ्रीज कैसे करें, क्या करना है, सेटिंग वगैरह भी मैंने चेंज करके देखी थी कल भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई रोड की हालत यानी थोड़ी सी बारिश के बाद रोड बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, टूटे फूटे, इतना बुरा हाल देख लो। और ये देख लो पीछे भी ऐसा है, सारे रोड ऐसे टूट रहे हैं। चैनल की ग्रोथ है ना वो इतनी बढ़िया चल रही थी, इतनी बढ़िया चल रही थी, अच्छे ज्यादा कुछ तो शायद मेरे कारण भी हुआ होगा, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि मैंने जो वीडियो वगैरह है ना वो बंद कर दी थी, और एक बार मेरे पास वार्निंग भी आई थी कि भाई किसी ने मेरा जो चैनल है ना वो खोला है, किसी ने खोला है, तो वो मैंने वैसे ही सोच लिया होगा कि भाई शायद मैंने कहीं खोला हो, पर उसके बाद क्या है कि कुछ नहीं हो रहा, ना कोई वीडियो चल रही ना कुछ, और नहीं तो मेरे पे ना लाइक भी आया करते, सारी चीज़ होया करती, और मेरा तो मान ले एडिट करने का तरीका भी वही है, थोड़ा बहुत मैंने तो अपने आप को मान ले सुधारा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं दे नहीं पाता, तो भाई सुधारने के बावजूद भी मेरा तो सारी चीज़ जीरो होती जाए, तो देखते हैं भाई अब क्या है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं लगातार वीडियो डालता रहूँ, बढ़िया बढ़िया कंटेंट निकालूँ, शायद भाई ऐसा हो कि जो फ्रीज हो रहा है या कुछ चीज़ हो रही है वो ठीक हो जाए, तो भाई देखते हैं, भगवान पे भरोसा है कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा। जो ये गाड़ी चल रही है ना ये वाली, ये गाड़ी पहाड़ों की रानी है, और सबको पता ये गाड़ी कौन सी है, 800, यानी कहीं भी चले जाना आप पहाड़ी एरिया में ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक तो पेट्रोल में है, यहाँ तो चलो अपने यहाँ सीएनजी में भी है, वहाँ पेट्रोल की गाड़ी है ना छोटे, एक तो भीड़े रास्ते होते हैं वहाँ, और ये बिना दबाव के बिना उसके बहुत बढ़िया चलती है। भाई मौसम देख लो एक बार, मैं तो भाई मौसम इतना बढ़िया लग रहा है फिलहाल, ये देखो भाई इधर खेती, ये देखो चेक कर लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, देख लो जाम लग रहा है जबरदस्त, यानी यही मैंने है ना आधा घंटा हो गया कम से कम चलते, अब तो थोड़ी छीट सी होगी, नहीं तो जबरदस्त भीड़ हो रही थी और बहुत लंबा जाम है यो। और यो जाम का कारण है उधर वाला जो रोड है ना वो बंद कर रखा है, क्योंकि उस पर है ना जैसे सीवर वगैरह का और पानी वगैरह की लाइन का कोई काम चल रहा है, तो सिंगल हो रहा है ये रोड। लो भाई अब तो आगे ठीक, और मैं लेट हो रहा हूँ सही, फिलहाल पहुंच गया नजफगढ़ टर्मिनल, और यहाँ भी देखो जाम लग रहा है। ये जो बस आती है ना इधर से इसके कारण लगता है ये जाम, ये मंडी है इसके कारण भी जाम लगता है यहाँ, ये रीजन है नजफगढ़ में इस साइड पर जाम लगने के, यहाँ गाड़ी बिल्कुल ऐसे चलेगी स्लो 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 स्लो, आधा रोड ये घेर लिया, आधा यो घेर रखा है, कोई कुछ कहता है नहीं, तो इस वजह से ये बुरा हाल हो रहा है। हट जा भाई,
तो भाई फिलहाल तो निकल गया मंडी वाले रास्ते से भी। नजफगढ़ का, पूरे नजफगढ़ का एक चक्कर लगा के आने पड़ता है अब उस द्वारका वाले रोड पर जाने के लिए। ये तो चलो इस पे भीड़ नहीं है ना, तो इस पे अगर भीड़ मिल जाती है ना तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता। ये है भाई दिल्ली गेट, ये दिल्ली गेट है, ये नजफगढ़ का दिल्ली गेट। वो ना उधर जो रास्ता था वो नांगलोई वाला स्टैंड था उस साइड। आगे हम छावला स्टैंड पे भी वो ही है जाम वाली स्थिति, पर ये है कि गाड़ी चल रही है। ये पूरा है ना एक गोल चक्कर है नजफगढ़ का। फिलहाल हूँ बहादुरगढ़, ये देखो क्या मैं हूँ। एक फंक्शन गए थे, फंक्शन बढ़िया था भाई। गुड मॉर्निंग सुप्रभात भाई, आप सब ठीक होगे? तो मैं आज फिर अपना तो वो रूटीन है डेली वाला, स्कूल की तरफ निकल गया। टाइम फिलहाल ये हो रहा है भाई 6:30 के करीब, तो आज और भी जल्दी पहुँचना है भाई। धूप निकल रही है, मौसम का तो बुरा हाल हो रहा है, बारिश कर रहे थे, बारिश भी ना आई यहाँ तो इतनी कोई खास फुहार सी आई थी। कल भी मैं झज्जर आया तब भी थोड़ी सी फुहार आई थी, तो बारिश नहीं आ रही और गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा बनेगी भाई। गाड़ी ले जाने का कारण है क्योंकि आज जल्दी पहुँचना है, और जल्दी भी क्यों है क्योंकि शायद मेरे स्कूल में आ जाना किसी की विजिट है, और मेरी बाइक के जो टायर है ना वो ज़्यादा घिसे हुए हैं, तो मैं इसलिए बाइक नहीं ले गया। कभी मैं जल्दी में बाइक ने भगा दूं और भाई कोई मिस हैपनिंग हो जाए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी दे। भाई धूप कितनी धूप हो रही है देख लो, सामने सूर्य देवता है और कुछ भी नहीं दिखता उनके सामने, देख लो कितनी ज्यादा वो हो रही है। मैंने वो रोड ले लिया है जो बिल्कुल बहादुरगढ़ के बाहर निकालेगा, यानी यहाँ से मैं बताता था ना मेरे स्कूल से एक रोड जाता है जो बहादुर, ये रोड है भाई वो देख लो, बिल्कुल बढ़िया रोड है ये। इस रोड से जाऊंगा मैं अब सीधा। मैं पहुंच गया हूँ फिलहाल में, और मैं करता हूँ आप थोड़ी देर अपना काम, बीच में फ्री हूँ फिर मैं बात करूँगा आपसे। भाई फिलहाल घर की तरफ निकल रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ इस डासा वाले रोड पे। यहाँ से जाऊँगा मैं डासा वाले रोड से सीधा झज्जर, क्योंकि झज्जर वाला रोड है ना बना दिया है, तो रोड वो बन रहा है तो वहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। और यहाँ गाँव में तो जाऊँगा ना, यानी टाइम भी लगेगा और गाड़ी एवरेज भी ना देगी, और इस रोड पे जाऊंगा ना तो गाड़ी सही एवरेज देगी। भाई गांव में होगी है एंट्री, गांव में आ गए। और ये देखो यो जो मेरा ये हवाई जहाज का ये फैन है ना, इसमें देखो कितना धीरे धीरे घूमता दिखाई दे रहा है, और ये बहुत तेज घूम रहा है ये देखो। मौसम भाई आज भी बारिश आ गई थी, देखो शीशा का वो हो रहा खराब सा, बारिश आ गई थी। तो भाई आज मैं स्कूल तय यानी टाइमली आ गया, मैं जोन वगैरह में गया ही नहीं, मैं भाई जोन में नहीं जाते, सीधा अपने घर चलते हैं और घर जाकर करेंगे रेस्ट, और GR बस उधर भी मिल लूंगा भाई। बैटरी धोते हुए देख लो, अपने आप मिस्त्री बन रहे हैं जी। कहनी पड़ेगी राजेश तुम्हें भाई, ये देख लिए। मैं तेरी दुकान बंद होने वाली है, शैमी वाला ही करेगा बंद। हाँ
मैं शुरू थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया है। मैं भी फ्री चल रहा है भाई। बारिश आई थी आज, देखो मौसम भी बढ़िया हो रहा है।